थे सेंट्रो से, भैया ये कब की मॉडल है? अब बात करते हैं एल्टो की जो कि बहुत ही ज्यादा कंडीशन में माइल, अब बात करते हैं बोलेरो की जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड गाड़ी है, करते हैं i20 स्पोर्ट्स की जो कि देखने से कि एकदम दुल्हन की जैसी सजी हुई है, अब बात करते हैं डिजायर की जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड वाली गाड़ी बोलते हैं, अब बात करते हैं XUV 500 की गाड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त बिल्कुल बेल कंडीशन। अब फाइनेंस के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, थंबल में हम लोगों ने लिखा है कि फाइनेंस की सुविधा और दाम भी कम, तो फाइनेंस के बारे में आप जान लेते हैं भैया से। तो सदाम भैया सबसे पहले ये बताइए कि फाइनेंस अवेलेबल है यहाँ पर? अवेलेबल है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं? वही आधार पैन कार्ड। ठीक है, और फाइनेंस जो सुविधा आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं इसमें डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? आपको 30% 30% डाउन पेमेंट देना होगा। आप जो फाइनेंस कर रहे हैं ये कितने दूर तक सीमित है? ये ऑल ओवर झारखंड। ऑल ओवर झारखंड में आप लोग कहीं पर भी हो भी कार खरीदिए, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे मजेदार बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर दाम कम, फाइनेंस की भी सुविधा और गाड़ी में दम। आप लोग तो जान चुके होंगे पूरा डिटेल फाइनेंस के बारे में, तो अगर किसी को भाई को फाइनेंस कराना दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं कबीर खान, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने स्कैन ज्ञान ट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आ गया हूं फिर से आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पर कि गैलेक्सी मोटर के वीडियो लाइए, गैलेक्सी मोटर। तो मैं आज आ गया हूं आप लोगों के डिमांड पर गैलेक्सी मोटर। हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं गैलेक्सी मोटर। और यहां पर हमारे साथ हैं सदाम भैया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भैया, तो आज जो आप लोगों को कलेक्शन दिखाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला, जो बोलते हैं ना आप लोग डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा कलेक्शन दिखाइए, तो अच्छा नहीं बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा जिसको बोलते हैं वो वाला आज कलेक्शन लाए हैं। गाड़ियाँ कम होंगी लेकिन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दम होंगी। तो बात करते हैं सीधा सीधे सेंट्रो से। भैया ये कब की मॉडल है? ये 2014 मॉडल है सेंट्रो। ये कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा है भैया, स्क्रैचेज बहुत कम दिख रहे हैं इसमें, एकदम नाम टचअप किया हुआ क्या? जी टचअप किया हुआ। गाड़ी पूरा फ्रेश कंडीशन में है। गाड़ी ये कब की हुई भैया? ये गाड़ी 2014 मॉडल होगी। 2014 मॉडल। अगर टायर की बात करें तो टायर चेंज करवाने का नौबत है क्या? टायर वो चेंज करवानी पड़ेगी लगभग चारों टायर। नहीं चारों टायर नहीं, पीछे के टायर बढ़िया है, आगे खाली दो चेंज कराने। आगे के दोनों टायर आपको चेंज कराने पड़ेंगे जैसा कि सदाम भैया बोल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के ऑनर की। ये आपकी सेकेंड ऑनर है? सेकेंड ऑनर है। और इसके ऑनर इसको कितना चलाएं भैया? मात्र 73,000 किलोमीटर चली हुई है लेकिन गाड़ी देखने में पूरा फ्रेश दिख रहा है। अब बात करते हैं कि ये अंदर के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में इंटीरियर वगैरह भी ठीक है, खाली सीट कवर वगैरह थोड़ी सा एक्सचेंज करना होगा, बाकी इंटीरियर वगैरह सब बढ़िया। यानी कि इंटीरियर में एसी ब्लोवर वगैरह सब वर्किंग कंडीशन में है, आपको विंडो भी पूरा वर्किंग कंडीशन में, गाड़ी अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि इसमें सीट कवर चेंज कराने की नौबत है। अब इसका चौंका देने वाला प्राइस बता दीजिए। ये हम लोग रखे हुए 1,90,000। 1,90,000 दाम रखे, कम बेसी नेगोशिएबल है ऑन टेबल? चलिए नेगोशिएबल है ऑन टेबल। अब अगली गाड़ी की बात करते हैं। बात करते हैं एल्टो की जो कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में माइल, एल्टो 800। कलर भी बोले तो बिल्कुल अच्छा कंडीशन में है, स्क्रैच तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल वेल कंडीशन में है। इसके बारे में बताएं भैया कब का मॉडल हुआ? ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल है। टचअप कहीं किए वाले? हल्का फुल्का टचअप मिलने वाला है। गाड़ी का टायर का अगर बात करें तो टायर भी अच्छा खासा कंडीशन में। कितना परसेंट होगा भैया? ये आपकी 95% टायर, ऑलमोस्ट टायर आपका 95% है। कंडीशन की बात करें गाड़ी की तो बहुत वेल है। इंजन में कोई छेड़छाड़ भैया? इंजन में कोई फॉल्ट नहीं, मात्र 46,000 चली हुई है। सिर्फ 46,000 चली हुई है। ऑनर की बात करें तो फर्स्ट ऑनर। और अंदर के इंटीरियर की बात करें तो अंदर के इंटीरियर बिल्कुल वेल कंडीशन में है, एसी वगैरह सब वर्किंग यूज में। यानी कि सीट कवर को भी देख लें, चाहे म्यूजिक सिस्टम को बात करें, चाहे आपका एसी या बुलवार की बात करें, तो सारा कुछ वर्किंग कंडीशन में आप अंदर का देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। आप बात करते भैया इसके चौंका देने वाली प्राइस की। ये 2,85,000 रेट रखे हुए हैं। 2,85,000 रखे हैं लेकिन कम बेसी हो जाएगा ना ऑन टेबल? यानी कि अगर आप बैठ करके बात करेंगे तो कम बेसी हो जाएगा। अब बात करते हैं बोलेरो की जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी है, और गाड़ी एकदम मक्खन की जैसे क्रीम कलर की दिख रही है। गाड़ी का तो ऊपर से देखने से कंडीशन बिल्कुल वेल दिख रहा है। टायर की बात सीधा सीधी करते भैया, ये टायर तो अच्छा खासा दिख रहा है। कितना परसेंट होगा? लगभग वही 75% टायर, 75% बचा हुआ है। चारों टायर आप देख सकते हैं बिल्कुल वेल कंडीशन में है। अब बात करते हैं इसमें कहीं छेड़छाड़ इंजन में खोल खाल कुछ? कोई नहीं, कहीं भी गाड़ी में कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं। पेपर में कोई लोचा? पेपर में कोई लोचा नहीं, फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया इसके ऑनर की, कौन सा ऑनर हुआ? फर्स्ट ऑनर है। चलिए ठीक है, इसका ऑनर इसको कितना चलाएं भैया?
ये मात्र 75,000 चली हुई 75,000 चली हुई है, लेकिन गाड़ी देखने से बहुत ज़्यादा कंडीशन में है। गाड़ी में कोई किस्म का आपको बोलते हैं खर्चा, तो कोई किस्म का खर्चा नहीं है, ना पेपर में कोई किस्म का लोचा है। अब बात करते हैं गाड़ी की अंदर की इंटीरियर की, तो इंटीरियर में सारा कुछ ओके है भैया? जी ऐसे ही ग्लोबल यानी सब चीज़ ओके है, यानी म्यूजिक सिस्टम बोले, चाहे पावर विंडो बोले, चाहे आपका सीट कवर बोले, तो बिल्कुल झकास, तो बिल्कुल झकास दिख रहा। अब इसका चौंका देने वाला प्राइस बताइए। इसकी 5,20,000 रेट रखे हुए हैं। 5,20,000 रुपया दाम रखे हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई रेट फिक्स होता है, ये आपके डिस्कस करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम बेसी करवा सकते हैं, है ना सदाम भैया? जी। चलिए अब अगली गाड़ी की बात करते हैं i20 स्पोर्ट्स की, जो कि बिल्कुल जो एकदम बोलते हैं ना, लग रहा है ऐसा देखने से कि एकदम दुल्हन की जैसी सजी हुई है, एकदम लग रहा है शोरूम से निकाल के लाए हैं और यहाँ पर लगा दिए हैं। लेकिन पुरानी गाड़ी है ये भी बताते चले, ये कब की मॉडल है भैया? ये आपकी 2016 मॉडल है, 2016 मॉडल सिर्फ नाम का है, देखने से ऐसा लग रहा है आपका कि 2020 या 19 की मॉडल है। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन बोले तो बिल्कुल फ्रेश है। टायर की ग्रिप्टों की बात करें तो टायर की ग्रिप्टें भी अच्छी खासी हैं। हमको लगता है भैया 65% बचा हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं आपकी 85 होगी। ये 85% है, मेरे अंदाज से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं आप खुद के टायर कितना अच्छा कंडीशन में। अब बात करते हैं सीधा सीधे इसके ऑनर की भैया। फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ। फर्स्ट ऑनर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। अब गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो अंदर के इंटीरियर देख सकते हैं, कहीं पर कोई खराबी? कोई खराबी नहीं, सारा कुछ वर्किंग में है, सारा वर्किंग कंडीशन में है। बोले तो सारा कंपनी वाला जो सेटिंग किया हुआ, सारा कंपनी वाला अभी भी सेटिंग है, कहीं पर कोई खराबी नहीं है, सब कुछ अपडेट है। अब बात करते हैं इसके ऑनर की। फर्स्ट ऑनर प्राइस बोले तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और इसकी प्राइस रखे हुए हैं आपकी 4,95,000। 4,95,000 रुपया रखे हैं और गाड़ी चला हुआ कितना भैया? मात्र 58,000। 58,000 किलोमीटर चली हुई और 4,95,000 रुपया भैया प्राइस रखे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गाड़ी कंडीशन में, गाड़ी इससे पहले बिक जाए आप आकर खरीद लें। अब बात करते हैं डिज़ायर की, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है। और कलर की बात करें तो कलर भी अच्छा खासा कलर है, ये लाइट ब्लू कलर बोलते हैं ना, तो लाइट ब्लू कलर में है और बहुत अच्छा कंडीशन में, हल्का फुल्का लेकिन गाड़ी में स्क्रैच आपको मिलने वाला है। चलिए अब इसके टायर की बात करते हैं, टायर कितना परसेंट है भैया? 75% टायर। टायर आप देख सकते हैं 70% एवरेज में बचा हुआ ऑलमोस्ट। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में सारा कुछ पूरा वर्किंग है, आप देख सकते हैं सीट कवर भी पूरा वेल कंडीशन में है, कहीं पर इंटीरियर में कुछ नहीं। म्यूजिक सिस्टम भी अपडेट है जी। सब कुछ बोले तो सब कुछ अपडेट है, बाहर से जितनी अच्छी गाड़ी दिख रही उससे ज़्यादा अंदर से अच्छी दिख रही है। अब इसके ऑनर की बात करते हैं, ऑनर फर्स्ट ऑनर है, ऑनर फर्स्ट हुआ और इसके ओनर इसको कितना रनिंग किया भैया? ये 64,000 रनिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका इतने देर से प्राइस नहीं बता रहे हैं, तो सदाम भैया इसका प्राइस बता दीजिए। इसकी भी 4,10,000 रुपया इसकी भी दाम है। अब बात करते हैं XUV500 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल कंडीशन में सिल्वर कलर में अवेलेबल है। गाड़ी में कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं, गाड़ी पुरानी है लेकिन गाड़ी में हमको देखने से लग रहा है कि एकदम नई जैसी दिख रही। मॉडल होगी W8 मॉडल है, सारी ऑटोमेटिक है। ये W8 मॉडल है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल वेल कंडीशन में है। ये भैया एक कब की मॉडल हुई? ये 2013 मॉडल है। 2013 की मॉडल हुई, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि 2013 की मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल वेल कंडीशन में है। टायर की बात करते हैं सीधा सीधे, कितना परसेंट बचा? टायर ये आपकी 85% है। 85% टायर बची हुई है, गाड़ी बिल्कुल वेल कंडीशन में। ऑनर कौन सा भैया? सेकंड ऑनर होगी। सेकंड ऑनर, इसके ऑनर इसको कितना चलाए भैया? मात्र 1,34,000। 1,34,000 चली हुई है, लेकिन गाड़ी में अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है और गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। इंटीरियर की बात करते हैं, बोले तो इंटीरियर का सीट कवर हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे पावर विंडो हो, चाहे एसी ब्लोवर, सारा वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश तो बिल्कुल फ्रेश है। अब इसका चौंका देने वाला प्राइस बताइए भैया। इसकी रखे हुए 5,40,000। थोड़ा खुश कर दीजिए, कुछ कम कर दीजिए। नेगोशिएबल हो जाएगा ऑन टेबल। चलिए बहुत बढ़िया, नेगोशिएबल हो जाएगा। तब गाइस अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स खाली पड़ा हुआ उसमें अपनी राय को भर दीजिएगा कि आज की वीडियो में क्या गलती हुई, ताकि जो हम नेक्स्ट बार वीडियो लाएँ उसमें आज की गलती को सुधार कर लाएँ। और अपनी डिमांड भी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपकी डिमांड पर नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। तब तक के लिए मैं कबीर खान, बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।